हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की वीडियो में हम बताएंगे हाउ टू इंस्टॉलेशन कम्युनिकेशनिंग वायरिंग। आज हम जानेंगे VRF AC का कम्युनिकेशनिंग कैसे करते हैं, उसका कम्युनिकेशनिंग का वायर कैसे डालते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। आप वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। अब वीडियो बने रहिए, आपको हम बताते हैं ब्लैक बोर्ड पे। तो आज हम जानेंगे हाउ टू इंस्टॉलेशन कम्युनिकेशनिंग वायरिंग। VRF हो या HUSC हो, VRB हो, ये सबका कम्युनिकेशनिंग तार एक ही तरह लगता है। और आज आपको हम बताते हैं कैसे लगता है। आप वीडियो ध्यान से देखिए। जैसे मान लेते हैं हमारा ये आउटडोर है 22 HP का, ये 22 HP का हमारा आउटडोर है और इससे हमारा 8 AC जुड़ा हुआ है। कोई भी जोड़ सकते हैं, चाहे हाई वायर जोड़ सकते हैं, कैसेट जोड़ सकते हैं, या डक केबल जोड़ सकते हैं, वन वे कैसेट जोड़ सकते हैं, आप अदर टन का, अदर कंपनी का, अदर टनेज का कोई भी हम लगा सकते हैं। तो आपको भी हम बताते हैं अलग अलग कैसेट इसी या इस हाई वाल बना के। तो हम मान लीजिए हमारे पाइपिंग आउटडोर में आई है, ये हमारी पाइपिंग है, एक लिक्विड लाइन है और एक सक्शन लाइन है। तो हमारे यहाँ जाता है तो हम एक रेफोनेट लगाते हैं जिसको बी बैंड बोलते हैं और वाई बैंड बोलते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। तो वाई बैंड हमारा इस तरह का होता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग तरीके का होता है। आप देख सकते हैं ये हमारा एक चला जाएगा हाई वाल को, एक हमारा हाई वाल का डेढ़ टन का, फिर आगे हमारा दूसरा जाएगा, फिर इसी तरह से हम विवेंट लगाएंगे। और विवेंट हमेशा लगाएंगे 1 मीटर के दूरी पे, एक विवेंट से दूसरा विवेंट हम लगाएंगे कम से कम 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए। वेटर है इंस्टॉलेशन करते समय इतना ध्यान देंगे, उससे कम ना हो। तो हम 1 मीटर नाप लेंगे, 1 मीटर फिर इसी तरह से हम विवेंट लगाएंगे। ये हमारा यहाँ चला जाएगा, मान लेते हैं कैसेट AC है 4 टन का, 4 टन का कैसेट AC है। इसी तरह फिर 1 मिनट के बाद हम एक विवेंट और लगाते हैं, इसको मान लेते हैं हमारा ये 8 टन का डक्टेबल AC है। कैमरा इधर देख लिया, ये मान लेते हैं एक डक्ट AC है 8 टन का। इसी तरह से हम एक और मान लेते हैं, 1 मिनट बाद फिर हम रिवेंट लगाएंगे, इसको हम दे देते हैं 1 वे कैसेट को, मान लेते हैं 1 वे कैसेट, यह आप मान लेते हैं 4 टन का, ये भी 8 4 12 12 4 16 16 17 हमारा इससे 1 4 5 5 AC है। एक और हम यहाँ हाई वाल लगा देते हैं डेढ़ टन का, और इसमें हम इतना पाइपिंग कर लेंगे, ये लिक्विड लाइन हमारा चलाएंगे। लिक्विड लाइन का वीवेंट अलग होता है और सक्शन का वीवेंट अलग होता है, दोनों वीवेंट थोड़ा सा एक पतला होता है और एक मोटा है। हम ये लगा लेंगे पूरा, आप देख सकते हैं पूरी ड्राइंग बन के रेडी है। उसके बाद हमारी इसमें हम पाइपिंग करने के बाद सबों पे टेप लगा लेंगे, टेप से लगा लेंगे, क्योंकि हमको प्रेशर से, हाई प्रोटीन नाइट्रोजन से प्रेशर दे के ही हमको ब्रेजिंग करना है। उस तरह से हम अगर बिना प्रेशर का ब्रेजिंग करते हैं तो क्या होता है, जो पाइप के अंदर गंदगी जमती है, जैसे आप देखे होंगे बेल्डिंग मारते होंगे, मकैनिक होंगे, नहीं होंगे तो आप देखिएगा, मगर बेल्डिंग मारते समय जैसे ऊपर आ जाता है कार्बन, उस तरह से अंदर कार्बन नहीं बनना चाहिए। उसकी वजह से हमारा एक्सपेंशन वाल गड़बड़ होता है, कंप्रेसर खराब होता है, तमाम चीज़ें होती है। तो हमेशा हम जब भी बेल्डिंग मारेंगे तो हम क्या करेंगे, हाई प्रोटीन 7 PSI छोड़ के चलाएंगे, हम चेक कर लेंगे कम से कम 7 PSI हो। अगर आपको नहीं चेक करने का आइडिया हो तो एक माचिस लीजिएगा, माचिस का तीली जलाइएगा, वो माचिस का तीली उसमें छोड़िएगा, वो माचिस का तीली बुझना नहीं चाहिए, उतना प्रेशर हमको पाइप के अंदर छोड़ना है। तो हम यहाँ से हाई प्रोटीन चला लेंगे, चार्जिंग लाइन लगा लेंगे और नाइट्रोजन का सिलेंडर लगा लेंगे। ये हमारा नाइट्रोजन का सिलेंडर है हाई प्रोटीन,
अब इसको एक पाइप में लगाएंगे यहाँ पे और एक पाइप से यहाँ बैक आना चाहिए, एक पाइप हमारा हाइड्रोटिक जाएगा फिर वापस बैक आएगा यहाँ से। तो हम जब ब्रेजिंग मारेंगे तो मशीन नहीं कनेक्ट करेंगे, मशीन कनेक्ट करने से पहले ही ब्रेजिंग मारते हैं। हम यहाँ पर मशीन लगा दें क्योंकि हम आपको बताएंगे कम्युनिकेशनिंग वायरिंग कैसे लगाते हैं, कैसे इसको लूप बाय लूप डालते हैं। आप ध्यान रखिए, अब इस तरह से वेल्डिंग मार लेंगे, वेल्डिंग मारने के बाद ब्रेजिंग वेसिंग कर लेंगे, आप आइडिया होगा। और हम फिर उसमें कम्युनिकेशनिंग का तार डालेंगे, जिसमें तार पड़ता है बढ़िया क्वालिटी का 0.75 mm का, 0.75 mm का कम्युनिकेशन वायर आता है स्पेशल BRFIC का। आप खरीदेंगे तो मार्केट में मिलता है, थोड़ा महंगा रहता है, हर जगह नहीं मिलता है, वो मंगाना पड़ेगा आपको। तो हम शुरू करते हैं, यहाँ आउटडोर तक हम आपको एक सिंगल वायर लाना है, इस आउटडोर तक हमको सिंगल वायर लाना है। और यहाँ जो लास्ट वाला AC है यहाँ हमको सिंगल वायर होना चाहिए, बाकी हर जगह दो वायर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए आपको आइए हम दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा सिंगल वायर है, यहाँ सिंगल डाले पूरे बंडल को, ये तार का बंडल है, पूरे बंडल को हम खींच लेंगे, पूरे बंडल को हम खींच लेंगे लास्ट वाले AC को, एक 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 वन एक तार। उसके बाद हमको अब सबों में डालना है, हम क्या करेंगे इसको पाइप में डालेंगे हमेशा PVC पाइप में, और जहाँ जहाँ AC रहे वहाँ वहाँ हम जंक्शन लगा लेंगे, जहाँ जहाँ हमारा AC है वहाँ वहाँ हम जंक्शन लगा लेंगे। प्लास्टिक का जंक्शन आता है, जैसे हम प्लास्टिक का पाइप लगाएंगे उसी तरह से जंक्शन लगा लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे इसको जंक्शन से खोल के सिंगल वाली वायर, ये सिंगल वाली वायर आप देख सकते हैं, सिंगल वाली वायर को हम यहाँ से डबल कर लेंगे, यहाँ से डबल करके खींचेंगे, यहाँ से पकड़ के हम जब जैसे ये तार है, ये तार को हम पकड़ के यहाँ से खींचेंगे इस तरह से, तो यहाँ का इधर का नहीं हम खींचेंगे, इधर का छोड़ देंगे, तो यहाँ से हम खींचेंगे, इसे डबल ही खींचना है, उधर से तार खिंचाएगा बंडल से, तो हमारा ये डबल बनते हुए आ जाएगा हमारा AC के पास, यहाँ तक डबल हो जाएगा। यही प्रक्रिया फिर हमारे यहाँ यहाँ पूरा हो गया, यही प्रक्रिया हमको फिर यहाँ करना है, जो प्रक्रिया हम यहाँ किए हैं वही प्रक्रिया हमको यहाँ करना है। यहाँ भी हम इसी तरह से तार को पकड़ेंगे, इधर का तार नहीं खींचेंगे, हम इधर की तार खींचेंगे, इसी तरह से हमारा यहाँ भी डबल हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ भी हमारा डबल हो जाएगा, इधर का खींचेंगे तो ये नहीं खींचेंगे, ये हमारा तार जहाँ का तार है वही खींच के जाएंगे, ये हमारा खुद ही बढ़ते चला जाएगा और यहाँ ला के लगा देंगे, उसी तरह से इसको भी हम करेंगे, ये हमारा प्रक्रिया हो जाएगा। बाकी हमारा बचा है सिंगल तार, आप देख सकते हैं, इसको हम नाप के आउटडोर तक काट लेंगे, बंडल हटा देंगे, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें भी अलग अलग आप दे रहते हैं, अलग अलग कंपनी का होता है, जैसे हिटैची हुआ, सैमसंग हुआ, अलग अलग दिया रहता है, अक्सर उसमें लिखा रहता है जहाँ हमारा कम्युनिकेशन का वायर लगेगा, अक्सर वहाँ लिखा रहता है ए और बी वन और टू, कहीं कहीं वन या टू लिखा रहता है, तो वन पे या टू पे लगाएंगे और या तो AB पे लगाएंगे, ये जो दो चीज़ अलग अलग कंपनियाँ में लिखी रहती है A और B है, या वन या टू, जिसमें भी होगा सैमसंग में होता है, सैमसंग में F1 F2 लिख के आता है, हम लोग हिटैची और LG करते हैं, सैमसंग में F1 F2 लिख के आता है, इस तरह से F1 लिखा रहेगा और इस तरह से F2 लिखा रहेगा, और फिर आगे भी लिखा रहता है F3 लिखा रहता है, F4 लिखा रहता है। उस पर हम रिमोट का तार लगाते हैं, तो जो रिमोट जो तार वाली होते हैं वो इस पर लगाते हैं, नहीं तो हम कम्युनिकेशन का वायर जब लगाते हैं तो हम F1 F2 पर ही लगाएंगे। और इसी तरह से मान लीजिए डक्ट AC है, तो डक्ट AC में 1 और 2 लिखा रहेगा, आप ध्यान देंगे डक्ट AC है तो AB नहीं लिखा रहेगा, 1 और 2 लिखा रहेगा। हम 1 पे लाल लगाएंगे और 2 पे ब्लैक वाला तार लगाएंगे, दो तार उसमें रहता है। इसी तरह से डक्ट AB है, कैसेट है, उसमें भी 1 और 2 ही लिखा रहेगा, AB नहीं लिखा रहेगा, AB लिखा रहता है स्प्लिट वाले AC में, स्प्लिट वाले AC में AB लिखा। आप काम करते होंगे तो आपको आइडिया होगा, आप खुद जान जाएंगे किसमें लिखा रहा है, नहीं समझ में आया, नहीं कुछ समझ में आया, तो जो AC आप खोले हुए हैं, जो AC सारा चीज़ उसमें दिया रहता है, आप बक्सा खोलेंगे आप उस पर लिखा रहता है, कौन में तार में इंडोर लगाना है, कौन में तार में आउटडोर लगाना है, आउटडोर का पैनल खोलेंगे उसमें भी लिखा रहेगा किसमें तार लगाना है किसमें नहीं लगाना है। इसी तरह से हम वायरिंग करेंगे, और अलग से ही हम बिजली वाले से, आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि चलेगा कैसे, आप इसको अलग से न्यूट्रल और फेस देंगे, अलग से
वीआरएफ एसी में अलग से न्यूट्रल फेस देंगे, जैसे ये हमारा वायर डाले हैं तो ये हमारा वायर पड़ गया, हम बिजली वाले से कनेक्ट करेंगे, उसको बोलेंगे वो 1.5 mm का या 2.5 mm का हमको तार देगा न्यूट्रल फेस और अर्थिंग। उसी तरह से इसमें भी हम अलग से लाइन 1 लाइन 2 लिखा रहता है, आप खोलेंगे बक्सा तो आपको न्यूट्रल फेस कहाँ लगाना है आपको आइडिया होगा, हम उसी तरह न्यूट्रल फेस लगा लेंगे। इसको अलग एक जगह हमारा 5 AC है, हम इलेक्ट्रीशियन को बोलेंगे कि हमको सारा एक जगह MCB लगाने के लिए, एक जगह MCB बक्सा लगाने के लिए, यहाँ से सब जगह लगाने के लिए, क्योंकि MCB नहीं गिरना चाहिए इसका, हम वही बात करेंगे। MCB बक्सा में रहेगा तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अगर MCB गिर जाती है सैमसंग एसी में, अगर एक MCB गिर गया तो एरर मारने लगता है, और कंपनियां में अगर आप गिरा देते हैं रिमोट से एसी बंद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे MCB एक जगह लगवाएं, हर जगह नहीं लगे। उसके बाद हम बात करेंगे 3-phase सप्लाई का, आउटडोर को चाहिए 3-phase सप्लाई। आउटडोर को चाहिए 3-phase वायर, आर वाई बी होता है, लेकिन आप कोई भी कंपनी का आउटडोर खोलेंगे तो आपको RYB नहीं लिखा हुआ मिलेगा, RST लिखा रहेगा, हम ध्यान रखेंगे RYB नहीं लिखा रहेगा, RST यार है ना, RST लिखा रहेगा। हम क्या करेंगे, ये हमारा R है तो R है, Y है तो S है, B है तो T है, आप इसी तरह से सेम लगाएंगे, जैसे RYB लिखा है उसे RST है, RYB RST, हम जैसे तार इसमें लगाते हैं वैसे तार हम इसमें लगाएंगे। आजकल तो AC आ रहा है 3-phase का, उसमें लगा रहा है 3-phase का एरर नहीं मार रहा है, मैं पहले का VRF AC था तो 3-phase अगर बदल रहा है तो एरर मारता था, दिक्कत होती थी, फेस रिवर्स का एरर मारता था, आजकल मशीनें आ रही बढ़िया, नहीं हो रहा इस तरह का, हम इस तरह का इसमें 3-phase का वायरिंग आउटडोर में लगाएंगे, और इसको आपको समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, इस तरह का वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन वाला बटन दबा के ऑल कर दीजिए, हम जब भी इस तरह का वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप वीडियो देखते रहिए। नए टेक्नीशियन है तो आराम से वीडियो देख के हमारा आप काम सीख सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत है हमसे कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।